नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। कनाडा में मोदी बोले, भारत में चतुरंगी क्रांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में चतुरंगी क्रांति करनी है। हमारे झंडे के चार रंगों के आधार पर यह क्रांति होनी है। पहली केसरिया क्रांति ऊर्जा की होगी। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार एलईडी बल्ब 350 रुपए में लेती थी, लेकिन हमारी सरकार इसे 85 रुपए में लेती है। दूसरी सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन के रूप में की जाएगी। तीसरी हरित क्रांति किसानों और खेती की गुणवत्ता बढ़ाकर लानी है। और चौथी क्रांति नीली क्रांति है, जो हम पर्यावरण को शुद्ध करके हासिल करेंगे। सलमान के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने सलमान के रक्त के नमूने के साथ छेड़खानी की। सलमान के वकील श्रीकांत शेवड़े ने दलील दी कि मुंबई निषेध अधिनियम में कहा गया है कि पुलिस नहीं बल्कि चिकित्सक यह निर्णय करेगा कि किसी व्यक्ति से रक्त निकालना है या नहीं। इस मामले में जेजे अस्पताल के शशिकांत पवार ने अपने बयान में कहा है कि पुलिस ने उनसे नमूने की जाँच करने को कहा। शहीद की अंत्येष्टि का पैसा वापस मांगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद के अंतिम संस्कार का पैसा वापस मांगने के मामले में रक्षित केंद्र के निरीक्षक को निलंबित कर दिया है तथा पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले के रक्षित केंद्र के निरीक्षक नीलेश द्विवेदी ने नक्सली हमले में शहीद किशोर पांडे के भाई कुशल पांडे को नोटिस जारी कर अंतिम संस्कार के लिए वेलफेयर फंड से दी गई अग्रिम राशि वापस मांगी थी।